नजर आ रही है। और यह भी खबर कोरोना मामले से जुड़ी हुई है। हम आपको सुबह से ही लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण का रफ्तार है, किस तेजी से फैल रहा है, किस तेजी से कोरोना संक्रमण बिहार में फैलता जा रहा है। और इससे ही जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जीतन राम मांझी के साथ साथ उनका परिवार यानी कि उनकी पत्नी शांति भी कोरोना पॉजिटिव है। साथ ही साथ उनके बेटे, उनके बहू और उनकी बेटी भी, यानी कि जीतन राम मांझी का एक तरीके से पूरा परिवार कह लीजिए, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ में उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव है। जरा देखिए एक किस तरीके से बिहार से जो मामले निकल कर आ रहे हैं। आज सुबह ही हमने आपको अपडेट दिया था कि पूरे बिहार में 1000 पार कर चुका है कोरोना संक्रमण का मामला। और अगर पटना की बात कर ले तो पटना में 600 से अधिक मामले हैं। और आज हमने आपको ये भी बताया किस तरीके से जनता दरबार में भी कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं, जहाँ पर उनकी जाँच हो गई तो उनमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई। अब ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी और उनके बेटे, उनकी बहू और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है। और साथ में उनके तैनात में उनके लिए सुरक्षा कर्मी जो तैनात किए गए, सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव है।